नमस्कार। आरोग्य योग चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अपने घर, अपने आसपास दिए जलाइए। अंधकार को मिटाकर प्रकाश करना ही दीपावली है, लेकिन हम लोग दीपावली दीपों से न मनाकर पटाखों से मनाते हैं। WHO के अकॉर्डिंग एक साल में 70 लाख लोगों की डेथ एयर पोल्यूशन से होती है। कितना बड़ा आंकड़ा है ये, क्योंकि दीपावली पर जो पटाखे जलाते हैं उसमें इतने खतरनाक केमिकल होते हैं। जो धुआं निकलता है पटाखों का, उसमें सोडियम, जिंक, शीशा, सल्फर, कॉपर, ये सारे खतरनाक केमिकल होते हैं जो बॉडी में पॉइजन का काम करते हैं। जब पटाखे जलाते हैं, जो धुआं निकलता है पटाखों से, उससे ये पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। फिर हम जो श्वास लेते हैं, उस श्वास के द्वारा ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इनसे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, फिर इनसे बॉडी में बहुत भयानक बीमारियां होने लगती हैं। जो ह्यूमन बॉडी है वो इन केमिकल के कंजप्शन के लिए नहीं बनी है। अस्थमा एक क्रॉनिकल डिजीज है, इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एयर पोल्यूशन बढ़ने से और लोगों की तुलना में अस्थमा के पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सांस से जुड़ी हुई बीमारी होती है। और जब ये पॉल्यूटेंट बॉडी में जाते हैं तो ये और उनको ज्यादा परेशान कर देते हैं। WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में लगभग 34 करोड़ लोग अस्थमा के रोगी हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत में भी लगभग 3.5 करोड़ लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये, से लोग कितने परेशान हैं। उनके लिए मुश्किल तब और ज्यादा हो जाती है पर पटाखे बहुत ज्यादा जलाते हैं, जिससे वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर पटाखे बहुत ज्यादा जलाए जाते हैं, 2-3 दिन के लिए खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखें। ज्यादा ही जरूरत हो तभी खोलें और बिल्कुल अच्छे से बंद रखें। आप इन 3-4 दिन के लिए मास्क जरूर पहने। को आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप डेली जल नेति जरूर करें, क्योंकि जो श्वास के द्वारा आपकी बॉडी में जो पॉल्यूटेंट जा रहे हैं, आप जैसे ही जल नेति करेंगे वो पॉल्यूटेंट बाहर निकल जाएंगे, उनका आपकी बॉडी में फिर असर नहीं होगा। जब आप डेली जल नेति करेंगे कि नाक से लेकर लंग्स तक की क्लीनिंग हो जाएगी, पॉल्यूटेंट आपकी बॉडी में अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम थी वह भी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। कुछ दिन तक आप डेली कीजिए, फिर जब आपको लग रहा है कि अब मुझे आराम है, तब आप हफ्ते में इसको 2 से 3 दिन तक भी कर सकते हैं। आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने पर काम करना होगा। इसके लिए आप विटामिन सी ज्यादा लें, आप संतरा खाइए, मौसमी खाइए। आप डेली 1 चम्मच आंवले का जूस जरूर लीजिए, क्योंकि एक दिन में हमारी बॉडी को जितनी विटामिन सी की नीड होती है वो 1 चम्मच आंवला के जूस से पूरी हो जाती है। अगर आपके पास कच्चा आंवला नहीं है, आप आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं, उसको 1 चम्मच शहद में मिलाकर आप उसको चाट लीजिए। वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा करेगा और आपको आराम पहुंचाएगा। कोशिश करें ठंडी चीजें मत खाइए। कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिर्च, मुलेठी, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, इन सब चीजों को अपने डेली के खाने में आप इनको यूज कीजिए। जैसे आप चाय पी रहे हैं, आप उसमें तुलसी और अदरक डाल लीजिए। आप कोई सब्जी बना रहे हैं, उसमें आप काली मिर्च, दालचीनी भी डाल सकते हैं। ऐसे करके आप चेंज कर कच्ची हल्दी का काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। आप दूध, अगर आप पीते हैं, दूध में आप कच्ची हल्दी पकाकर पी सकते हैं। जब आप इन चीजों को खाएंगे तो आप धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लगेगा और आपको जो ये अस्थमा की प्रॉब्लम है ये भी आपके धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और इसके लिए आप गर्म पानी जरूर पिएं। दिन में कम से कम 4 से 5 बार आप गर्म पानी जरूर पिएं, क्योंकि अस्थमा पेशेंट्स के लिए गर्म पानी एक औषधि का काम करता है। इन सब चीजों का ध्यान रखें। हंसी खुशी दीपावली का त्योहार मनाइए, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से दीपावली मनाइए, लेकिन साथ में अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ा धन होता है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं। आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल फिर एक ऐसे ही नॉलेजफुल कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। नमस्कार। वंस अगेन हैप्पी दीपावली।